Hello and welcome to the Kids Heaven Public School online classes. And this is for grade 11. We are studying chapter 3, Discovering Tut, from the NCERT Book of Hornbill. Now, Discovering Tut, the saga continues with the author A.R. William. Today, I am presenting the summary for you. Okay? As we have studied and understood the story earlier, this is a brief summary about it. Now, let us see what there is. Discovering Tut, the saga continues. So, the saga continues is a chapter which gives us an in-depth sight of Tutankhamun, the last ruler of the powerful Pharaoh dynasty in Egypt. He was a teenager when he died, and his death was a mystery. Some speculated that he was murdered. He ruled in Egypt and its empire for centuries. In 1922, his tomb was discovered by Howard Carter, a British archaeologist. After 80 years, he was taken from his resting place for CT scan, which offers to solve the mystery of his life and death by creating a forensic reconstruction. So, अब ये जो chapter है, Discovering Tut, इसमें Tutankhamun, ठीक है? Tut short form है उसके नाम का, उसका पूरा नाम है Tutankhamun. और ये लास्ट रूलर था फेरो डायनेस्टी का, इजिप्ट में जो बहुत एक पावरफुल ताकतवर डायनेस्टी थी. वो एक टीनेजर था जब वो मर गया था, जब उसकी मृत्यु हुई थी. एंड आज तक उसकी जो डेथ थी वो अननोन रीजन की वजह से, एक मिस्ट्री है. मतलब उसका पता नहीं है कि कैसे हुई थी उसकी डेथ. एक्सक्यूज मी, वो एक टीनेजर था, मतलब उसकी जो एज थी वो 13 से 19 के बीच थी. सम स्पेक्यूलेटेड, कुछ लोगों ने ऐसी थ्योरीज बना दी कि उसका मर्डर किया गया था, लेकिन सच अभी पता नहीं है. He ruled in Egypt and its empire for centuries. एक सेंचुरी में 100 साल होते हैं, ठीक है? So उसने काफी टाइम तक इजिप्ट में रूल किया था. 1922 में उसकी जो टूम थी वो डिस्कवर की थी हॉवर्ड कार्टर ने, जो एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे. एंड 80 ईयर्स लेटर, 80 साल बाद, उस जगह से जहां पर वो रखा हुआ था इतने सालों तक अपनी टूम में, वहां से उसे एक सीटी स्कैन के लिए ले जाया जाता है, जिससे कि अब वो जो राज थे उसकी लाइफ के एंड डेथ के, उसकी मिस्ट्रीज धीरे धीरे अब जांच करके सॉल्व की जाएंगी. मतलब वो राज खुलेंगे अब के जो फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, मतलब जो सीटी स्कैन हुआ है उससे जो नई इंफॉर्मेशन मिली है, ठीक है, उससे क्या पता चलता है कि उसकी जो डेथ थी वो कैसे हुई थी. Tut's father or grandfather, Amenhotep III, was a very powerful pharaoh who ruled over a period of 4 years. His son, Amenhotep IV, thrived him and began the strangest period in the history of Egypt. So, Tut ke jo father or grandfather the, Amenhotep III, ठीक है, ये नाम था, and वो एक बहुत ताकतवर pharaoh थे, जिन्होंने लगभग 40 years के लिए rule किया था. फिर उनका जो बेटा था, Amenhotep IV, वो बहुत अलग था. उसने एक बहुत अजीब जमाना गुजारा था. उसने क्या किया था, उसने एटेन सन डिस्क की जो पूजा थी वो शुरू करवाई, यहाँ तक कि उसने अपना नाम बदलकर अखिनेतन रख लिया, ठीक है. ही ऑल्सो मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम थीब्स टू द न्यू सिटी ऑफ अखिनेतन कॉल्ड अमरना. अब जो वहां की कैपिटल थी, ठीक है, रिलीजियस कैपिटल, वो थी थीब्स. लेकिन ये जो Amenhotep IV था, इसने उसे एक नई सिटी का नाम दिया अखिनेतन, जो अब अमरना के नाम से जाना जाता है. नेक्स्ट था Tutankhamun, ठीक है, जिसे हम टट के नाम से भी जानते हैं. नेक्स्ट किंग वो बना, लेकिन उसने सिर्फ 9 सालों तक रूल किया था. उसने अमुन को जो पुराने तरीके थे पूजा के वही किए थे, ठीक है, इसीलिए उसने अपना नाम Tutankhamun बदला था. ओके, लेकिन एक बहुत ही अननोन तरीके से, अजीब और गरीब तरीके से उसकी डेथ हो गई थी. His tomb was rock out 26 feet underground, which had all paintings. On the outer coffin, Tut's face was gilded. In the first coffin, he found the garlands of olives, lotus petals and cornflowers. खैर, 1922 में, ऐसा हमने कहा, हॉवर्ड कार्टर ने वो टूम्ब डिस्कवर किया, ठीक है. सो जब वो रॉक कट हुई 26 फीट अंडरग्राउंड में, वहां पर दीवारों पे काफी पेंटिंग्स लगी हुई थी, एंड जो कॉफिन्स थे वो नेस्टेड थे. सो जो बाहर वाला कॉफिन था उस पे जो है टट का जो फेस था वो सोने से बना हुआ था.
जो पहला कॉफिन था उसमें हार थे ऑलिव्स के, लोटस के पेटल्स के, फूलों के एंड कॉर्न फ्लावर्स के। इससे ये जाहिर होता है कि जब उसकी डेथ हुई थी वो मंथ्स ऑफ मार्च या अप्रैल थे, क्योंकि ये फूल एंड ये पत्ते तभी मिलते हैं। द थर्ड एंड फाइनल कॉफिन पुट कार्टर इनटू ट्रबल। अब जो थर्ड वाला कॉफिन था फाइनल, जिसमें टट की मम्मी थी, उसमें कार्टर को बहुत डिफिकल्टी हुई थी, बहुत प्रॉब्लम हुई थी। हिज मैन फर्स्ट रिमूव्ड हिज हेड एंड दे कट ऑफ एवरी जॉइंट। सो उसके साथ जो वर्क करने वाले थे, काम कर रहे थे, उन्होंने सबसे पहले जो मम्मी का हेड था वो निकाला और उसका हर जॉइंट काट दिया और अलग अलग उसके बॉडी पार्ट्स निकाले और फिर वो सारे एक लकड़ी के बड़े से डब्बे में नीचे रेत डाल के उसमें उनको सेट किया। लेटर ऑन जनवरी 5, 2009 टट वॉज टेकन फॉर अ सीटी कंप्यूटर थर्मोग्राफी स्कैन विच टेक्स हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज एंड क्रिएट्स अ थ्री डायमेंशनल इमेज। खैर उसके लगभग काफी टाइम बाद जनवरी 5, 2009 में टट को एक सीटी स्कैन के लिए ले जाया जाता है, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज जो होते हैं ना एक 3D इमेज बनाते हैं, थ्री डायमेंशनल इमेज जो काफी क्लियर होती है। द स्कैनर स्टॉप्ड वर्किंग विच पॉज्ड द प्रोसीडियर। अब देखिए वो जो ना रेत में रखा था, तो वो जो रेत था वो स्कैनर के पैंस में आ गया था एंड उससे के वो रुक गया था, स्कैनर ने काम करना बंद कर दिया था, थोड़ी देर के लिए पॉज हो गया था। आफ्टर यूजिंग अ पेयर ऑफ स्पेयर फैंस द स्कैन वॉज फाइनली डन। खैर एज हमने पढ़ा था दो ऑफिसर्स थे, जल्दी से वो प्लास्टिक के वाइट फैंस ले जाते हैं, ठीक है, एंड उससे फाइनली स्कैन हो जाता है हेल्प से। आफ्टर 3 आवर्स his body was taken back to his tomb where his body is resting in peace. And लगभग 3 घंटे में जब स्कैन हो गया उसकी जो बॉडी थी, जो मम्मी थी टट की, वो वापस उस टूम में ले जाई गई एंड वहां रख दी गई जहां पर वो इतने सालों से रखी हुई थी। सो दिस वॉज अबाउट डिस्कवरिंग टट टूटनखामुन। उसकी डेथ एक मिस्ट्री थी, आज तक एक मिस्ट्री है। इतने फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन हो चुके हैं, एक सीटी स्कैन भी हो चुका है, उससे पहले एक्सरे भी किए गए थे, अब तक कोई ऐसी थ्योरी नहीं रिलीज की गई है जिसमें ये पता चले कि टट की डेथ हुई कैसे थी। सो फार दिस वॉज द समरी। प्लीज इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड डू आस्क मी, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स फॉर यू। ओके, लिसन टू इट वेरी वेल एंड एंजॉय द स्टोरी। थैंक यू।